फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता ठाकुर, आज आप लोग को होली स्पेशल ठंडाई कुल्फी कैसे बनता है बताने जा रही हूँ। इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा देखिए। ये मैं ठंडाई ली हूँ। इसमें ठंडाई में गुलाब पत्ती, सौंफ, इलायची, खीरा का बीज, ये सब रहता है। इसको मैं पाउडर बना लूंगी। और ये दूध, इलायची, ये कॉर्नफ्लोर, चीनी और ये खोया, इतना चीज से मैं ठंडाई कुल्फी बनाऊंगी। अब मैं दूध को गर्म करने जा रही हूँ। दूध को मैं डालकर इसे आधा होने तक गाढ़ा करूंगी। थोड़ा सा दूध मैं बचा ली हूँ, इसमें कॉर्नफ्लोर को घोल दूंगी। देखिए ये ठंडा दूध है, इसे दूध से मैं कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लेती हूँ। ये अभी मैं नहीं डालूंगी, इसका घोल सिर्फ तैयार करके रख लेती हूँ। अभी दूध को मैं गैस पे चढ़ाई हूँ, उसे आधा होने तक गाढ़ा, अभी होने तक उसको रखूंगी। जब गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद मैं ये सब डालूंगी। तो ये कॉर्नफ्लोर मैं ठंडे दूध में घोल के उसका घोल तैयार कर लेंगी। ये ठंडा ही है, ठंडा ही पाउडर। पाउडर को मैं पानी में घोल के इसका भी घोल तैयार कर लेती हूँ। ये आपको ठंडा ही बाजार में आराम से मिल जाता है, इसका पाउडर भी मिलता है और ऐसे भी रहता है जो अलग से पत्ती, गुलाब का, खीरा का बीज, सौंफ, इलायची से मिला रहता है। और ये हरी इलायची को मैं दरदरा पीस लूंगी, इसको कूट लूंगी। तब तक इधर मेरा दूध गाढ़ा हो रहा है, इसको मैं बीच बीच में चलाते रहूंगी। और इधर ये गाढ़ा हो रहा होगा धीरे धीरे, अभी नहीं हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट इसे लगेगा गाढ़ा होने में। ये मेरा दूध गाढ़ा हो रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो मैं ठंडे दूध में घोल के रखी थी वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। डाल करके इसको मिला दी इसमें। अब इसको मैं 3-4 मिनट तक इसमें पकाऊंगी। ये मैं 3-4 मिनट तक पका ली हूँ। देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। इसको भी मैं इसमें मिला दी। अब मैं इसमें ठंडाई वाला जो होली थी ठंडाई पाउडर वो मैं डाल रही हूँ। ये ठंडाई पाउडर आपको मार्केट में इजली मिल जाएंगे। ये होली के समय में अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। ठंडाई पाउडर आपको होली के समय में ज़्यादातर मिलते हैं, हर जगह मार्केट में आपको मिल जाएंगे, किसी भी स्टोर में मांग सकते हैं। ये चीनी मैं डाल रही हूँ।
इसमें सारा चीज मैं डाल दी, डाल करके मिला दी। अभी मैं कुटी इलायची डाल दी, सारे को डाल के मैं 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ। और इसे फिर मैं थोड़ा देर ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद इसे मैं मोल्ड में भर के और फ्रीजर में डाल दूंगी। 7-8 घंटे के लिए तो ये कुल्फी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसे मोल्ड में भरने जा रही हूँ। देखिए ये मैं आइसक्रीम जमाने के लिए या कुल्फी आइसक्रीम जो भी इसमें आप जमा सकते हैं, ये मोल्ड बाजार में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब इसमें मैं देखिए इसमें 6 आइसक्रीम 6 कुल्फियाँ जमा सकते हैं। और ये ठंडा हो गया है, अब बारी बारी से मैं इसमें डालूंगी। सारे मोल्ड में मैं बारी बारी से डाल करके देखिए मैं सारे में डाल करके और ऊपर से ये उसका स्टिक है, स्टिक सारे में डाल देती हूँ। देखिए और इसको मैं 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। तो ये जम के फिर निकाल के देखूंगी तो ये जम के रेडी रहेगा। और जब आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप ग्लास में भी जमा सकते हैं। ये मैं छोटा ग्लास ली हूँ, आप कोई भी आकार का ग्लास ले सकते हैं, छोटा थोड़ा इससे बड़ा भी, तो इसमें डाल करके आप जमा सकते हैं। अगर मोल्ड आपके पास नहीं है तो इसमें भी अच्छा तरह से जम जाता है। इसको भी उसी तरह से फ्रीजर में रख देना है, इसको पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे। और इसमें ये आइसक्रीम स्टिक इसमें डाल करके और ऐसे रख देना है। फिर ये 8 घंटे बाद इसको देखेंगे तो ये जमा मिलेगा। आपके पास अगर मोल्ड नहीं हो तो आप ग्लास में भी जमा सकते हैं, दोनों तरह से। तो इसे मैं जा रही हूँ फ्रीजर में रखने 8 घंटे के बाद, फिर मैं इसे दिखाती हूँ कि किस तरह से जम गया है। ये मेरा ठंडाई कुल्फी, मैं इसको फ्रीजर से 8 घंटे बाद निकाली हूँ। देखिए ये रेडी हो गया है बनके, ये मोल्ड वाला है और ये ग्लास वाला अच्छी तरह से जम गया है। इसको मैं 8 घंटा डीप फ्रीजर में छोड़ दी थी, उसके बाद निकाली हूँ। अब मैं इसको इससे निकालती हूँ, देखिए कैसे निकालती हूँ। ये जमा हुआ है इसलिए अभी कड़ा है, ये निकलेगा नहीं। अब मैं इसको निकालूंगी, देखिए आप लोग ये मैं एक बर्तन में पानी ली हूँ। अब ये पानी में मैं थोड़ा इसको डाल दे रही हूँ, नीचे से ये पानी इसमें लगेगा तो ये अपने आप छोड़ देगा। इसको 2-3 मिनट के लिए पानी में रख दीजिए और हिला हिला करके धीरे धीरे ये छोड़ेगा, हिला हिला करके निकाल लीजिएगा। पानी में रख ली हूँ, अब ये अच्छी तरह से निकल रहा है। देखिए आप लोग ऐसे ऐसे करके हिला हिला करके निकाल लिए हैं। देखिए ये कुल्फी अच्छी तरह से बनके रेडी हो गया है।
दूसरी भी रेडी हो गया। और ये ग्लास वाला भी देखिए, सारा कुल्फी बनके रेडी हो गया। तो ये मेरा कुल्फी, ठंडाई कुल्फी होली स्पेशल है। तो ये आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब में शेयर कीजिए। और ये मैं गुलाल रखी हूँ, तो होली में आप लोग गुलाल एक दूसरे को लगाइए और सभी लोग होली मनाइए। सभी को हैप्पी होली, ठंडाई कुल्फी भी खाइए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी प्लीज कीजिए।